नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हो टेक्नी इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में सेकंड वनडे मैच खेला गया। इस मैच को दोस्तों कोई जीता नहीं, लेकिन दोस्तों ये मैच काफ़ी रोमांचक हुआ और ये मैच आखिर के लास्ट बॉल में जाके दोस्तों टाई हो गया। तो इस मैच को आपने देखा होगा, सारे लोगों ने दोस्तों काफ़ी रोमांचक मैच देखने को मिला। जैसे कि पहला वनडे मैच हुआ था तो उसमें इंडिया ने काफ़ी आसानी से उस मैच को जीता था, लेकिन ये दूसरा वाला मैच हुआ दोस्तों, उसमें आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज़ में चेस करते हुए बराबरी हासिल कर दी। मतलब इंडिया ने 321 रन बनाए थे तो वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे 50 ओवर में 321 ही रन बनाए। तो ये मैच दोस्तों फाइनली टाई हो चुका है। आप देखेंगे तो भारत ने पहले टॉस जीत के इसको बल्लेबाजी की थी दोस्तों, तो एक बार फिर से विराट कोहली ने एक बार 100 रन बनाया। दोस्तों पिछले मैच में देखेंगे तो विराट कोहली ने 100 बनाया था, तो इस मैच में दोस्तों विराट कोहली ने 157 रन बनाए, नॉट आउट रहे। खाली 129 बॉल में ये 157 रन बनाए, मतलब ये पूरा 50 ओवर आखिर के तक विराट कोहली खेल के इस जो इंडिया का स्कोर था दोस्तों उसको 321 रन तक इसको पार कर चुके थे। उसके बाद रायडू ने भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की, रायडू ने भी 50 बनाए, 73 रन बनाए रायडू ने 80 बॉल में। उसके बाद धवन की बात करें तो धवन ने भी 29 रन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 30 बॉल में। तो इस तरह से दोस्तों कुछ भारत की बैटिंग लाइन रहने थी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था विराट कोहली का। तो बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग के, तो यहाँ पर नर्स ने दोस्तों 2 विकेट निकाले थे 46 रन बना के। तो बाकी बात करें दोस्तों, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ की इनिंग चालू हो गई दोस्तों, जैसे कि ओपनर्स ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद आप देखेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पे होप्स ने दोस्तों अपना जीवन का दूसरा शतक लगाया, वो भी भारत के साथ। तो काफ़ी अच्छी तरह से होप्स खेला था और होप्स भी आखिरी बॉल तक इसको मैच को लेके गया था। तो होप्स ने पूरा 100 बनाया दोस्तों, 123 रन बना के नॉट आउट रह गया। वो आप देखेंगे तो 134 बॉल में 123 रन बनाए। उसके बाद बात करें तो हेटमायर ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी की थी। 64 बॉल में उन्होंने देखा तो 94 रन बनाए। जैसे कि 2020 में जैसे बल्लेबाजी करते हैं वेस्ट इंडीज की बल्लेबाज, उसी तरह से दोस्तों हेटमायर ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। आप देखेंगे तो हेटमायर की वजह से ही काफ़ी ये जो स्कोर हुआ था 321 रन तक, वहाँ तक वेस्ट इंडीज़ पहुँचने को पास जरूर पहुँचा और इसको आखिर तक टाई मैच कर दी। उसके बाद बात करें तो हेमराज ने भी 32 रन बनाए थे 24 बॉल में। तो भारत की बॉलिंग लाइन की बात करें दोस्तों, तो कुलदीप यादव ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे गेंदबाजी की थी, 3 विकेट उन्होंने निकाले, 67 रन बनाए गए। रन तो ज़्यादा दिए लेकिन यहाँ पे 3 विकेट निकाला था। उसके बाद शमी ने 1 विकेट निकाला और चहर ने 1 विकेट यहाँ पे निकाला। तो इस तरह से दोस्तों भारत की बॉलिंग रेट रह गई थी। तो आखिर में जाके दोस्तों एक बार फिर से भारत के 4 मैचों की आप बात करें वनडे मैचेस की, तो ये दूसरा वनडे मैच ऐसा रह गई तो हुआ था। इसलिए बाद आप देखेंगे तो चैंपियन जो एशिया कप हुआ था दोस्तों, उसमें भारत ने अफगानिस्तान के बाद एक बार फिर से एक टाई मैच खेला था। अभी ये दूसरा मैच यहाँ पे भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ में टाई मैच खेला। तो इस तरह से कुछ ये सेकंड जो मैच हुआ वनडे में, तो कुछ इस तरह से रह गया। तो आगे बात करें तो तीसरा वनडे मैच आगे होने वाला दोस्तों, जैसे कि ये पूरा पार्ट वनडे मैच का सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ पूरा मैच समरी रहेगी इस मैच की। तो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से और अच्छे वीडियो मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मैं वैभव कुलदाव किसी नए वीडियो नए साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।